First thing is to achieve top performance, we have already discussed. Next is to maintain the previously developed performance. Because when you will be in the preparatory period, that during that time you will achieve the previous whatever you have developed in the last year. That is maintain. To improve all the performance factors. From our sport, in our sports, we have various performance factors. Sports of performance are also a factor. It is not depends upon one or two factors. Maybe more than 25 factor, 40 factor. It depends on you. Yoga, I suppose. Yoga की बात करते हैं. Yoga भी also है. अभी जो yoga को कहाँ fix करना आपने? Option में किस month में fix करना? कितने session fix करने हैं? You talk about speed training. You talk about strength training. You talk about coordination training, skill training. Okay. So if you have that plan, if you are having yearly plan, definitely you will develop all the performance factors. Which you are having in your mind कि मेरी game में क्या क्या performance factor performance को affect करते हैं. अगर आपके पास ये नहीं है तो maybe because there are so many factors you will forget some of the factors. Secondly, you will not develop all the factors in a sequence wise. That is very important. You have to develop all the factors in a certain sequence wise. Like during oxygen we are giving more emphasis on anatomical adaptation. Anatomical adaptation that we'll discuss later on. Then aerobic ability. If your aerobic ability is good, then any type of load you can tackle. Agar aerobic aapki poor hai, because aerobic ka matlab hai ki aapka heart or lungs efficient hona chahiye. Agar heart or lungs aapka poor hai, to definitely when you go for heavy load exercise, there may be problem. Athlete will be overload. There may be injury also. So रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि सीक्वेंस क्या है, पहले क्या डेवलप करना है साल में, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और कंपटीशन से पहले क्या करना है, कंपटीशन से हफ्ता पहले क्या करना है, कंपटीशन के बाद में क्या करना है. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम इफ यू गो थ्रू द रिलेशन. सो दैट्स व्हाई इट विल इंप्रूव ऑल द परफॉर्मेंस फैक्टर्स सीक्वेंस वाइज. यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड टाइम. अभी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कोच के पास क्या रिसोर्स है, ये कंडीशनिंग का होता है, मे बी कंडीशनिंग का, मे बी यू नो ऑल मींस ऑफ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या जो भी आपके पास फैसिलिटी, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेंगे इफ यू आर हैविंग प्लान प्रिडेशन. देन सिस्टमैटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. प्रॉपर रेगुलेशन एंड एवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ यू हैव प्रिडेशन you can properly monitor your training program. जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं महीने के बाद एटलीस्ट वन मंथ के बाद पीछे को देखना चाहिए, पीछे मुड़ के भी देख लेना चाहिए whether we are getting some performance or not. That is the monitoring या और regulation of training. So कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा ट्रेन अचीव कर रहा नहीं कर रहा है. सो इन प्रिडिक्शन वी आर फिक्सिंग द टेस्ट मिनिमम आफ्टर वन मंथ वी आर फिक्सिंग अ टेस्ट. जैसी ट्रेनिंग चलती है वैसी टेस्ट रखो. जैसे अगर आपका ऑफ सीजन में एंड्योरेंस ट्रेनिंग चलती है तो आफ्टर वन मंथ ऑफ ट्रेनिंग यू विल फिक्स द टेस्ट. उससे आपको क्या पता चलेगा कि हाउ मच वी हैव अचीव्ड एंड हमारा टारगेट क्या है. आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा एथलीट है इनकी एरोबिक कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए टू रीच दैट लेवल. अगर आपके पास ये डाटा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग स्टेट लेवल प्लेयर, आपने नेशनल में लेके जाना है, यू बिलोंग टू एनी स्पोर्ट्स, और उस स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल के एथलीट का वो पैरामीटर कैसे होते हैं. लेट्स से एग्जांपल की बात, बास्केटबॉल की बात करते हैं. आप ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टेट लेवल के प्लेयर, आपके पास नेशनल में पार्टिसिपेट कराना है या आपका टारगेट है नेशनल मेडल लेना, एटलीस्ट वी मस्ट नो अबाउट कि जो नेशनल लेवल के हमारे जो भी प्लेयर हैं, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई भी है, उनकी पावर कितनी होती है, जंप कितना होता है, उनका एरोबिक कैपेसिटी कितनी होती है, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है. If you are, तो इट मीन्स आप तो कैसे ट्रेनिंग चल रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग जो है ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से चल रही है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है ना. सात में महीने दिसंबर में आपने पार्टिसिपेट करना है, पहले आपको पता है कि ये डेट है हमारे मेन कॉम्पिटिशन की, और उसके बेस पे आपने ट्रेनिंग पूरा कराना है, और ट्रेनिंग में कितने सेशन आपने एरोबिक पे देने हैं, कितने स्पीड पे देने हैं, कितने स्ट्रेंथ पे देने हैं, कितने टेक्निक पे, दैट विल डिपेंड अपॉन उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस. तो इट मीन्स
हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले प्रेजेंट भी देख लेना चाहिए, वहाँ भी हमको फिटनेस स्टेटस देखने चाहिए।